जयपुर पहुंच के अच्छा ही लग रहा है। वेरी एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटेड हम लोग बच्चों के साथ ज़्यादा। फर्स्ट क्लास है, आप लोग का भी अच्छा है, हम लोग का भी अच्छा है, मिलके एक अच्छा ट्रिप हो रहा है। और जयपुर ऐसा एक ट्रेडिशनल जगह है, यहाँ के जो खाने पीने के जो आइटम्स आप लगा रहे हो वो ट्रेडिशनल्स लगा रहे हो। हम चौकीदानी गए, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, वन इन अ काइंड एक्सपीरियंस है। कल अमेर फोर्ट गए, वहाँ पर अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आज का दिन एक लग रहा दुबई का फीलिंग है, मिनी दुबई। जयपुर में दुबई, जयपुर में दुबई, मिनी दुबई का फीलिंग है और हमारे एक्सपेक्टेशन से 10 गुना 20 गुना आगे है। और जो यहाँ के जो ड्राइवर्स है वो भी वेल ट्रेंड है, यहाँ के जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, अच्छे से फीडबैक दे रहे हैं, सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं। तो ओवरऑल वी आर एंजॉइंग एंड थैंक यू एशियन पेंट्स एंड थैंक यू एक्सप्लोर, थैंक यू वेरी मच। ये खाना मेरे को बहुत तारीफ लगा, सब चीज़ गर्म मिल रहा है, रोटी देखिए स्पेशली यहाँ देसी लोग बना रहे हैं, ये एक वन ऑफ इट्स काइंड, हमने देखा नहीं पहले कभी। इंडिया में ऐसा फूड आता है रेस्टोरेंट से, बट ये बाहर खाना खा के हम लोग बहुत मज़ा आया। स्पेशली माई किड्स आर इन्जॉइंग अ लॉट, उन्हें लग रहा है जैसे कि क्या देख रहे हैं, तो राजस्थान लोग पहले भी आ चुके थे बट ये दूसरा राजस्थान दिखा रहे हैं। बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली वो जो राइड था दैट वॉज अ फैबुलस 90 डिग्री फॉल। हमारा ड्राइवर था राजेंद्र, हमें चार चक्कर उड़ा के दिखाया। वेरी नाइस ट्रिप, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, थैंक यू। अच्छा लगा, ये मजा आया और सारे ग्रुप के साथ नेक्स्ट टाइम और भी आना चाहिए। इसके पहले बहुत सारी ट्रिप एशियन पेंट के साथ में लेकर के जा चुका हूँ मैं, हमने डीलरों को इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए, बट जहाँ पे भी मैं गया हूँ ट्रिप को लेकर के उसमें हमें ये मिला कि ज़्यादातर जगहों पे जहाँ है वो मैन मेड है कुछ। यहाँ पे राजस्थान में मैं पहले भी जयपुर आया था और इस तरह का कोई स्थान ही 4-5 साल पहले, अगर इस तरह का एक्सपीरियंस हम इंडिया के अंदर राजस्थान में दे पा रहे। यहाँ आने के बाद जो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि बहुत नेचुरल है सब कुछ, यहाँ आने के बाद सब कुछ एकदम नेचुरल उसमें है। और मेरी सारी टीम ने, एशियन पेंट की टीम ने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। अगर इस तरह के एक्सपीरियंस हम इंडिया में देते रहे तो हम अपनी भारतीय संस्कृति से लोगों को और ज़्यादा जोड़ सकते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं उनका जाने का पर्पज़ यही होता है कि एडवेंचरस स्पोर्ट जो है, एडवेंचरस चीज़ें इंडिया में कम है। इस तरह की राइड के लिए आपको दुबई जाना होगा, न्यूजीलैंड जाना होगा या कहीं जाना होगा। अगर इंडिया में इस तरह की चीज़ हम अपने इस तरह की चीज़ें अपने क्लाइमेट में दे पाए तो ये इंडिया की संस्कृति से भी हम जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बिहार, उड़ीसा, झारखंड से पहली बार जयपुर आए हैं, जो राजस्थान के कल्चर को देखा। हार एक्सपीरियंस अभी तक किसी को नहीं होता था, किस तरह से होता है, सिर्फ सुनते थे कि राजस्थान में रेगिस्तान होता है, इस तरह के थार होते हैं, बट ऐसा एक्सपीरियंस किसी को नहीं था। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे खुद के लिए भी है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हम बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा ये भविष्य में।